में भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर भगवान जगन्नाथ प्रभु के दर्शन कर लाभ प्राप्त किए। इस पावन मौके पर जनपद गौतम बुद्ध नगर से सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने प्रभु के दर्शन कर यात्रा में मौजूद सभी श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रदान की। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इस यात्रा को लेकर यह मान्यता है कि भगवान अपने गर्भ गृह से निकलकर प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। इस यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग शामिल होते हैं। जो भक्त इस रथ यात्रा में हिस्सा लेकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उनके तमाम दुख दर्द और कष्ट खत्म हो जाते हैं, साथ ही उन्हें स्वयं करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है, इसके बारे में बताएं कहां से आरंभ हो रही है और कहां इसका समापन होगा। मैं भीमसेन राउत, श्री जगन्नाथ सेवा संघ और जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 34 का एक छोटी सी सेवक हूँ। और मेरे आज का दिन में हमारी जलवाला गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इन्होंने 2006 से यहाँ पर आते हैं, शुभारंभ करते हैं। हमारे बंशीधर प्रभु यशकंद का प्रेसिडेंट, वो भी आते हैं, हमारी सौदे करते हैं कीर्तन में। और हमारे गौड़िया मठ का जो है संस्थापक श्रीधर महाराज जी, वो भी आते हैं और इनका भक्त भी आते हैं, कीर्तन करते हैं। और ये रथ यात्रा जो है ना 2006 से यहाँ पर हुआ है, और यहाँ पर सब भक्त जुड़े हैं जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। और जगन्नाथ जी हर साल जब स्नान करते हैं ज्येष्ठ मास में, ज्येष्ठ मास से भगवान स्नान करते हैं, इसके बाद में उनका जो है शरीर अस्वस्थ हो जाते हैं, और 14 दिन तक उन्होंने जो है मतलब पट बंद हो जाता है, जो उड़ीसा भाषा में बोलते हैं, जगन्नाथपुरी धाम से बोलते हैं पट, पट मतलब दरवाजा बंद करके रहते हैं। और इनका सेवा जो है ना पंडित करते हैं और कोई नहीं करता है, और भगवान फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपद को सबको नवजौवन वेश में दर्शन देते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि में सभी भक्त का सम्मुख में जाते हैं, नगर घूमते हैं, सबको दर्शन देते हैं। और ऐसे ये प्रत्यक्ष देवता जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष देवता है, जैसे हमारे हनुमान जी कलयुग में अमर है, इसी प्रकार जगन्नाथ जी भी प्रत्यक्ष देवता है। ये हजार से अधिक संख्या में और 4-5 हजार का संख्या में जो है ना श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। दास इस्कॉन नोएडा टेम्पल पेशेंट, आप सभी आज की रथ यात्रा कितनी विशेष रहने वाली है इसके बारे में? आज भगवान जगन्नाथ जी का विशेष रथ यात्रा है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों से मिलने के लिए साल में एक बार आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन के लिए आते हैं, भक्त काम लेते हैं दर्शन करने के लिए। यात्रा के बारे में बताइए। ये जगन्नाथ रथ यात्रा मेरी जहाँ तक अपनी याद है 2006 से सेक्टर 34 से प्रारंभ होता है, शरीर तरह के कार्यक्रमों में उपस्थित होने का सुनने होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। निश्चित रूप से खास ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो इनका निश्चित पुण्य कर्म है, जिसकी प्रेरणा से भगवान कृपा से ये रथ यात्रा में शामिल हुए हैं। और ये तरह के उत्सव हमारी सनातन स्थिति का सनातन धर्म की आस्था, सनातन के प्रति आस्था और मान्यताओं को रखती है। मैं इस अवसर पर आयोजक जो जगन्नाथ महाप्रभु महोत्सव की समिति है, इसके हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नोएडा के